कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव जी सा, राधे राधे। हमारे चैनल राजपुरोहित रॉयल फैमिली में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो सुबह का समय हो रहा है और अभी बज रहे हैं 9, तो मम्मी तो चले गए हैं मंदिर, बच्चे अभी तक सो रहे हैं क्योंकि वो हमेशा ही 9 बजे के बाद में ही उठते हैं। और मैं हूँ हमारे किचन में, कर रही हूँ कुकिंग। तो आधी कुकिंग तो मैंने कर ली है और आधी अभी बाकी है, तो जो बाकी है वो पूरी कर लेती हूँ मैं। और आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। तो यहाँ पे अभी है ना, मेरे तीनों ही गैस चालू है। इसमें मैंने दलिया बनाया है और यहाँ पे कढ़ी बन रही है और यहाँ पे उबालने के लिए रखे हैं मैंने गूंदे, क्योंकि मैं आज बनाऊंगी गूंदे और ये केरी। खाली एक ही केरी डालूंगी इसकी सब्जी। तो फिलहाल अब पहले आटा लगाऊंगी और मेरे यहाँ पे मैंने अभी साबूदाना भिगो दिया क्योंकि मेरे 11। तो भाई साहब हमारे 10 बजे तक सोए हैं आज और दोनों बहनें उठ चुकी हैं और अब 11 बजने वाले हैं। मैं इसको कह रही हूँ जाकर स्नान करके आ जा, क्योंकि फिर है ना टंकी में पानी बहुत गर्म हो जाएगा। तनिषा है ना, तो आज टाइम पे नहा लो ठीक है, और खाना बन गया फिर खाना खा लेना ठीक है। चल किसु दीदी को बोल, वो साथ में चलेगी। और मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाऊंगी साबूदाने की, तो उसके लिए आलू और मिर्ची काट लिए मैंने, आधा टमाटर भी डालूंगी। मैं भी यही सोचू कि मैं पहले ना खिचड़ी बना के रख देती हूँ, खाऊंगी तो मैं दोपहर में, क्योंकि खिचड़ी बनाने के बाद में रोटी बनानी है, फिर गैस ठंडा होता है, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है, इसलिए खिचड़ी बना के अभी रख दूंगी। तो फाइनली यहाँ पे मेरी साबूदाने की खिचड़ी बन के हो गई है रेडी, साथ में मैंने चपाती बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मम्मी हमारे हो गए रवाना घूमी घूमी करने के लिए। मम्मी घूमवाने जाओगे? बोतल तो लेता जाओ, वहाँ जल्दी आई जाओ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मम्मी हमारे जस्ट अभी निकले हैं। मम्मी गए हमारे रिलेशन में एक भाईसा है, उनके यहाँ पे नियर ही रहते हैं, मतलब उनके बेटे की सगाई हुई थी तो बस वापस से मीठी कोथली लेकर जाते, तो वो सब कुछ देखने के लिए बुलाया था। तो मम्मी ने मुझे भी काफ़ी बोला कि चलो जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन मैंने ना बोला कि नहीं मम्मी अभी मैं रेस्ट करूँगी, मैं नहीं चलने वाली हूँ, इसलिए मम्मी अकेले ही गए। किसु और तनिषा को भी बोला पर ये दोनों भी नहीं गई साथ में। तो बस मेरा भी सारा काम जो रूटीन होता है मॉर्निंग से आफ्टरनून तक वो हो चुका है फ्री, अब मैं भी थोड़ी दूर रेस्ट कर लेती हूँ। तो बस मैंने तो अभी चाय बनने रखी है, तो चाय मेरी बन चुकी है। और यहाँ पे हमारे तनिषा भाई सा मैंगो चेप रहे हैं, कल दूसरे आम लेकर आए वो मीठे निकले। मीठा है ना तनिषा, मस्त लग रहा है ना। मासी युवी भैया ने काट के दी ये कैरी, मैंने बोला था उसे एक तनिषा को भी काट के दे, पता है। तो तनिषा को मीठी मीठी कैरी खाते हुए देख कर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा आमरस बना लूं, क्योंकि मेरे भी 11 से, इसलिए तो यहाँ पे मैंने ये आमरस बना के रेडी कर दिया है। अब इसको मैं रखूँगी फ्रीज में ठंडा होने के लिए। जो सुबह में भगवान के कैरी चढ़ाई थी बच्चों ने तो खाई नहीं, तो फिर उन्हीं कैरियों का मैंने यहाँ पे ये मैंगो का जूस बना लिया। और ये जो कैरी वो कल लेकर आए, सच में इतनी मीठी कैरी है और इतना अच्छा, मतलब ये मैंगो का जूस बना, मुझे इसमें बिल्कुल भी शक्कर ऐड नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी भी मैंने इसमें शक्कर ऐड नहीं की है, एकदम मीठा निकला है। तो अब इसको पहले फ्रीज में रख देती हूँ, फिर ठंडा ठंडा पीने का मजा आएगा। तो हमारी तनिषा बेबी ने भोजन कर लिया है। तनिषा बेबी आज आपने क्या खाया बताओ? छोले और कुलचे। ये रहे छोले और ये रहे कुलचे और ये रहा पुलाव। तो ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, ये भेजा गया है, हमारे साइड पे प्रोग्राम रखा गया है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट चालू है, वहाँ पे आज जेंट्स के लिए प्रोग्राम था, तो वहाँ पे ये सब कुछ बना था, छोले कुलचे पुलाव, छाछ भी थी साथ में। तो छाछ तो घर पे नहीं आई, लेकिन ये सब कुछ घर पे भेजा गया हम सब के लिए। तो मुझे तो खाना नहीं है क्योंकि मेरे फास्ट है। किसु और तनिषा ने खा लिया, मम्मी के अभी बाकी है और जो बचा फिर वो मैं फ्रीज में रख दूंगी। तो आज मुझे डिनर कुछ बनाना ही नहीं पड़ा, मैंने खाली रस ही बनाया। और अभी यूवी और तो वहीं पे गए हुए हैं, तो मम्मी आ जाए बस, मम्मी अभी नीचे गए हैं तो वो आएंगे तो फिर खाएंगे, उसके बाद में मैं इनको फ्रीज में रख दूंगी। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का काम चालू है, तो यहाँ पे ही प्रोग्राम रखा गया था। तो किसु के पापा गए हुए थे तो वहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही थी, तो उन्होंने वहाँ का वीडियो बनाया और मुझे सेंड किया, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी इसी में ऐड कर देती हूँ,
क्योंकि सब जेंट्स के लिए प्रोग्राम था तो मैं तो यहाँ गई नहीं थी, वो लोग गए थे लेकिन फिर उन्होंने बाद में वीडियो नहीं बनाया, ये वहाँ पे जब तैयारियाँ चल रही थी तब उसी का बनाया, तो उन्होंने मुझे सेंड किया था तो मैंने इसे यहाँ पे ऐड कर दिया। तो पट्टी अभी मेरे थोड़ी क्लीन करना बाकी है क्योंकि सुबह का दो चार रोटी का आटा जो था तो मैंने अभी दो चार रोटी बनाई तो उससे गैस तो वैसे भी पूरा गंदा हो ही चुका है। यहाँ पे दूध रखा है ठंडा करने के लिए, तो ये जब तक ठंडा होगा तब तक ये जो कपड़े रखे हुए हैं ये फोल्ड कर लूँगी क्योंकि आयरन तो आज मैंने कर ली है। और दोनों बालिकाएँ देख रही है टीवी। क्या देख रही हो टीवी में? और श्री भी आ गई मम्मी के साथ में, मम्मी नीचे गए हुए थे तो उनके साथ में आ गई श्री। श्री अब क्या करेगी? खाना खाया तूने? खेलेगी? दीदी लोग तो टीवी देख रहे हैं, वो देख दोनों टीवी देख रहे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि किसू और तनिषा को खेलना फुल रैकेट, तो यूवी भैया तो आया है नहीं अभी तक, तो फिर मैं भी जल्दी काम से फ्री हो चुकी हूँ तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी दूर हम भी नीचे बैठेंगे और तुम दोनों खेलना। चले बोतल ले ले वो पानी की। क्या तनिषा? खेलेंगे तब प्यास लगेगी। सही है, पसीना निकालोगे तो पानी निकलेगा शरीर से पसीने में तो फिर प्यास तो लगेगी ना, और अभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी भी पीना चाहिए। तो यहाँ पे गेम की शुरुआत हो चुकी है और गेम की शुरुआत की है किसू और उसके दादी सा ने। थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कम है इसलिए वीडियो बराबर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद में किसू और तनिषा की बारी आएगी तो मैं तो बस बैठे बैठे यहाँ पे देख रही हूँ। और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बस व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमारे ब्लॉग को ऐसे ही एंड तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए।